एडमिशन प्रोसेस इस स्टडी रूम में हुआ था। दो न्यू हॉस्टल्स बन रहे हैं तो हेलो एवरीवन, आई एम विदुषी फ्रॉम आईसा मोहाली। इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की अबाउट आईसा मोहाली। लैब सेशंस एकेडमिक ब्लॉक में कंडक्ट करवाए जाते हैं। इफ़ यू वांट टू गो टू द लाइब्रेरी, आपको पहले मैनुअली एज वेल एज डिजिटली दोनों में एंट्री करवानी पड़ती है, जस्ट रोल नंबर एंड नेम। दिस इज़ अ प्लेस वेयर हम अपने बैग्स वगैरह जो भी है एक्स्ट्रा सामान उसको वहाँ पे रख देंगे, एंड जो हमें सामान चाहिए लाइक लैपटॉप बॉटल वो हम अपने साथ ले जाएंगे। देयर आर टोटल 5 to 7 फ्लोर्स इन द लाइब्रेरी और अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से हम कहीं पे भी बैठ सकते हैं जहाँ मन करे। एंड यस, सेकेंड फ्लोर पे नहीं जा सकते हैं। एज अ फ्रेंडली एडवाइस, कभी सेकेंड फ्लोर का बटन मत दबाना। दिस इज़ द थर्ड फ्लोर और हाँ, लाइब्रेरी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। कंग्रेचुलेशन सभी को जिनका आईसर में सिलेक्शन हो चुका है या होने वाला है। ऑल दी बेस्ट सभी को, कोई बात नहीं, सबका हो जाएगा, इट्स ओके। आई नो मुझे भी इस टाइम पे बहुत स्ट्रेस होता था, एंड आई नो आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे जैसे मेरे भी थे। सो यस, मैं ट्राई करूँगी जल्दी से वीडियो लाने का, और आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इतने हेक्टिक शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल होता है और वीडियोस एडिट करने में और शूट करने में टाइम लगता है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं और ज़्यादा वीडियोस ला सकती हूँ। समर में मोहाली का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जिस वजह से लाइब्रेरीज में बहुत अच्छा रहता है स्टडी करने के लिए, क्योंकि कोर्स में जो भी बुक्स यूज़ होती हैं वो मोस्टली लाइब्रेरी में अवेलेबल होती हैं, एंड हम बुक्स को इशू भी कर सकते हैं बट फॉर ओनली 2 डेज़, देन दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है, दोबारा से इशू करवानी पड़ती है। लंच टाइम, तो चलो मैस चलते हैं खाना खाने के लिए। एंड यस, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है मैस में खाना, बट सेकेंड ईयर के बाद से कोई कंपल्शन नहीं है, आप कहीं पे भी खा सकते हो, कैंटीन रेस्टोरेंट जहां आपका मन है वहां पे खा सकते हो। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैस का खाना कैसा है, तो SRM का खाना अच्छा होता है, दैट इज़ स्टूडेंट रन मैस, उसका खाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पर्सनली। और वहाँ पे मैं अभी 4 हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल 5, हॉस्टल 6, हॉस्टल 7 एंड हॉस्टल 8। SRM दैट इज़ स्टूडेंट रन मेस, वो हॉस्टल 5 और हॉस्टल 7 में है। ऑल्सो इन्हीं दोनों हॉस्टल्स में कैंटीन भी अवेलेबल है, लेकिन हॉस्टल 6 और हॉस्टल 8 में कोई कैंटीन अवेलेबल नहीं है। ऑल्सो 2 न्यू हॉस्टल्स बन रहे हैं जो काफ़ी हद तक बन चुके हैं, मतलब विजिबली तो दिख रहा है कि बन चुके हैं, लेकिन पता नहीं कितना टाइम लग सकता है, शायद 6 मंथ्स और 1 मंथ। मेरा लंच हो गया जो कि बहुत टेस्टी था, और उसके बाद में मैं अपने रूम आ गई हूँ। मैंने सोचा सफाई कर लेती हूँ और साथ में रेस्ट भी। रूम के बारे में बता देती हूँ। एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रहते हैं फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, लेकिन ऐसा ऑफिशियली बोला गया था कि 3rd ईयर से हमें सिंगल रूम मिलेंगे, बट हॉस्टल्स की शॉर्टेज की वजह से ऐसा बहुत मुश्किल है, एटलीस्ट हमारे बैच के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, 2 न्यू हॉस्टल्स बन रहे हैं तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट आने वाले बैचेस हैं ना उनके लिए अवेलेबल हो जाएं सिंगल रूम। की वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, वहाँ पे वो अवेलेबल है, और साथ में क्या क्या आपको लेके आना है मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो। इवनिंग टाइम पे स्नैक्स खाने का मन करता है, या फिर कभी जाए तो रेस्टोरेंट या फिर कैंटीन जाके कुछ जो मन हो वो खा सकते हैं। अभी आईसर में इतने ज़्यादा ऑप्शंस लगते नहीं हैं खाना खाने के लिए, बट यस ठीक है जो है। ये हैं न्यू हॉस्टल्स जो बन रहे हैं। हमको 5 से लेकर 8 बजे तक ये फ्रूट्स और वेजिटेबल की गाड़ी आती है, जिसमें बहुत वैरायटी होती है फ्रूट्स की, मोस्टली होता ही है, सीजनल फ्रूट तो अवेलेबल होता है, तो यस जो भी मन हो वो ख़रीद सकते हैं यहाँ से। दिन पहले यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी, जिससे ये सारा एरिया जो है वो भर चुका था पानी से और चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अभी तो मौसम ठीक है जिसकी वजह से तो अच्छा अच्छा है सब। लास्ट ईयर एडमिशन प्रोसेस इस स्टडी रूम में हुआ था। सुंदर सा व्यू है मेरे रूम से,
और ये INST है। पूरे दिन क्लासेस या लैब्स के बाद मैं ट्राई करती हूँ कि रोज़ शाम को योगा प्रैक्टिस करूँ। एंड ऑल्सो मैं प्रेफर करती हूँ कोई गेम खेलना, जैसे वॉलीबॉल या बास्केटबॉल, जो मुझे पसंद हो। इवनिंग वर्कआउट हमेशा हेल्प करता है मेरी बॉडी को रिलैक्स करने में, जिससे नेक्स्ट डे मैं फिर से वैसे ही एनर्जी के साथ काम कर सकूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ी सी तो इन्फॉर्मेशन दी ही होगी मैंने। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।